हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू का खात्मा हो चुका है। वो काफी शातिर था और यही वजह है कि नाइकू को पकड़ने के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहा था। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे बड़े चेहरे का खेल खत्म हो चुका है। उसके गांव में ही सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। A++ कैटेगरी का आतंकवादी रियाज नाइकू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर और पाकिस्तान का पोस्टर बॉय था। आतंकी रियाज नाइकू के खात्मे के लिए पुलवामा में पिछले 3 दिनों से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया था। आतंकी नाइकू अपनी माँ से मिलने गाँव बेगपुरा आया। सुरक्षा बल कई दिनों से नाइकू पर नजर रख रहे थे। गांव बेगपुरा में घर पहुंचने की खुफिया सूचना मिली। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। 1 से 1.5 किलोमीटर तक पूरे इलाके को घेर लिया गया। ऑपरेशन से पहले ही गांव के घर खाली करवा लिए गए और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिस घर में नाइकू छिपा था उसे सुरक्षा बलों ने ब्लास्ट से उड़ा दिया, लेकिन रियाज नाइकू बच गया क्योंकि वो उस घर से निकल कर दूसरे घर में जा छिपा था। हालांकि दूसरे घर में भी नाइकू मौत से पीछा नहीं छुड़ा पाया और सुरक्षा बलों ने आतंकी नाइकू को वहीं पर ढेर कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रियाज नाइकू ने एक सुरंग बना रखी थी जो रेलवे ट्रैक के नीचे थी। उस सुरंग को भी सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया क्योंकि इसी सुरंग के रास्ते से वो सेना और सुरक्षा बलों को चकमा देता था। सुरक्षा बलों को यही शक था कि कहीं इस बार भी नाइकू किसी सुरंग का सहारा लेकर भाग ना जाए, इसलिए 3 JCB मशीनें मंगवाई गईं और रात भर इस इलाके में अलग अलग जगहों पर उस सुरंग को ढूंढने के लिए खुदाई की गई। इससे पहले नाइकू 4 बार सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार हो चुका था, जिसमें से 1 बार त्राल में वो सुरंग की वजह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा था, लेकिन इस बार उसकी कब्र उसके गांव में ही खोद दी गई। यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर वो स्पॉट है, वो गाँव है बेगपुरा, जो नेटिव गाँव है रियाज नाइकू का। फिलहाल सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कि हिज्ब का ऑपरेशनल कमांडर कश्मीर का जो रियाज नाइकू है उसको मार गिराने में उन्हें कहीं ना कहीं सफलता मिली है। आतंकी नाइकू का अंत आतंक के खिलाफ इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि यह आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी का सबसे बड़ा आतंकी चेहरा बन रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कश्मीर में कुख्यात आतंकी रियाज नाइकू का खात्मा हो चुका है। सुरक्षा बलों के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन देश के रक्षकों को पत्थरबाजों का सामना करना पड़ा और यह पत्थरबाजी गवाही देती है कि कश्मीर में अभी भी पत्थरबाजों के हाथ आतंकवादियों के साथ हैं। आतंकियों का खात्मा, पत्थरबाजों का विलाप। पत्थरबाजों को ढाल बनाओगे तो फिर मारे जाओगे। कब सुधरेंगे कश्मीर के पत्थरबाज? पत्थरों की धड़ाधड़ बरसात, सुरक्षा बलों की गाड़ी पर डंडों से हमला, ये आतंकी रियाज नाइकू के खात्मे पर पत्थरबाजों का विलाप। ये पुलवामा के बेगपुरा में उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां पर रियाज नाइकू का एनकाउंटर हुआ। गाड़ी को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है। कई पत्थरबाज सुरक्षा बलों की इस गाड़ी के ऊपर भी दिख रहे हैं। आतंकी रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद ये पत्थरबाजों की फ्रस्ट्रेशन। हैरानी की बात ये कि ये वही लोग थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर शुरू होने से पहले घरों से सुरक्षित बाहर निकाला था, जिससे इन लोगों पर कोई खतरा ना आए, लेकिन यही लोग बाद में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक रहे थे। कश्मीर घाटी में पत्थरबाज लौट आए हैं। आज से 5 दिन पहले 2 मई को भी पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई थी। आतंक के नाइकू के एनकाउंटर के बाद ये पत्थरबाजी गवाही देती है कि कश्मीर में अब भी पत्थरबाजों के हाथ आतंकियों के ही साथ हैं, जो नहीं चाहते कि कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने में लगी सेना कामयाब हो। लेकिन वो नहीं जानते कि अब आतंकवादियों का जनाजा नहीं, सिर्फ कब्र खुदेगी।
जब भी सेना किसी आतंकवादी का इनकाउंटर करती है तो इनकाउंटर वाली जगह पर पत्थरबाजों की जमात एक्टिव हो जाती है। कश्मीर के पुलवामा में दो जगह एनकाउंटर हुए जिसमें चार आतंकवादी मार गिराए गए। चारों आतंकवादियों के शव उनके परिवारों को नहीं दिए गए हैं और ना ही इन आतंकवादियों के शव उनके परिवार वालों को दिए जाने चाहिए, क्योंकि इन आतंकियों के अंतिम संस्कार के जरिए उन्हें हीरो बनाया जाता है। आतंकियों को पोस्टर बॉय बनाने वाला खेल खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।